सर, तो आज की स्ट्रीम में बात करने वाले ग्रो डीमैट अकाउंट आप परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप जब आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पे कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्ट आप बंद करवा सकते हैं, जैसे कि बाकी की कोई भी प्लेटफॉर्म, वहां से हमें इजीली मिल जाता है कि परमानेंट डिलीट करना है या फिर थोड़े टाइम के लिए क्लोज करना है, तो वो ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ग्रो डीमैट अकाउंट में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड का यूज करते हैं। ग्रो एक एप्लीकेशन का नाम है जो कि डीमैट अकाउंट, जो कि हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट का यूज करके हम उससे पैसे कमा सकते हैं। बट उस अकाउंट को आप कुछ दिन के बाद या फिर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो उसको डिलीट करना है परमानेंटली, तो कैसे करना है, तो इस वीडियो में बताने वाला हूं दो तरीके, एक ऑफलाइन तरीका है एक है ऑनलाइन तरीका, दोनों तरीके बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखना है, आपको दोनों तरीके में आपको समझा दूंगा, ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, ऑफलाइन आपको समझा दूंगा कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां से मैं सब कुछ समझा देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बता रहे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। ऐसे वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे और बहुत सारी कैटेगरी चैनल में मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। सो गाइस, आ चुके मोबाइल के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैं ग्रो वाली एप्लीकेशन को आपको दिखाता हूँ, ये वाली ग्रो वाली एप्लीकेशन है और उसमें हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद पहले तरीके बताएंगे ऑफलाइन, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी ये जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है, वो पहले से आपको पता होना चाहिए अकाउंट कौन सा था, वो लॉगिन होना चाहिए। तो मैं पिन फटाफट यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ये फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है एंटर पिन के बाद। तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी आइकन पे जाना है, मतलब जो आपकी अकाउंट का आइकन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फटाफट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं भी ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप डायरेक्ट ओपन मतलब परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये हेल्प एंड सपोर्ट जो लिखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, ऊपर जो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। कहीं भी अकाउंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है क्लोज। इतना सर्च करने के बाद आपको ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड वाला जो ऑप्शन है डीमैट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखिए डीमैट क्लोजर फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये रहा क्लोज फॉर्म, उस पर आपको क्लिक करना है। तो एक PDF ओपन होगी, जो कि मैं आपको मोर पे जाके दिखा देता हूँ PDF। और जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो ये रहा फॉर्म। और ये फॉर्म आपको पूरा का पूरा भर देना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत समझा भी देता हूँ कि आपको यहाँ से डीमैट जो बहुत ट्रेडिंग और डीमैट आपको दोनों कौन से बंद कराने, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, टिक मार्क करना होता, डेट लिखनी है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा अंदर, जो इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी और थोड़ी बहुत आपको एंटर करनी होती है और नीचे साइन वगैरह करके आपको भेज देना है। तो पूरा का पूरा मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे भर देना है अकाउंट क्लोजर फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर कौन से, वो सब कुछ आपको अपने एप्लीकेशन की जो अकाउंट है उसमें सब कुछ मिल जाएगा ये डिटेल। तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालवा लेनी है, और प्रिंट निकालने के बाद आपको इसमें फिलअप करके आपको कहाँ पर भेजना है, आपको भेजना है इस वाले एड्रेस पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। बिलोंग एंड कुरियर, आपको कुरियर कर देना है इस वाले एड्रेस पे। और आपको एड्रेस सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, 10-15 दिन लग सकते हैं। तो उसके बाद आपका अकाउंट जो पहुँचने में टाइम लगता है उसके हिसाब से, तो आपको 10-15 दिन में आपको मैक्सिमम कह सकता हूँ, तो उसके अंदर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ये पहला तरीका है ऑफलाइन तरीका, अगर ये कर सकते हो आप तो। लेकिन कोई मजदूरी नहीं करेगा, मुझे पता है। तो आपको ऑनलाइन तरीका बताने वाला हूँ मैं। तो ऑनलाइन तरीका हमारे पास मिल जाता है सेकंड, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद रेज टिकट पे आपको क्लिक कर देना है, एक टिकट का एक ओपन हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि आपको क्यों बंद करना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है आई वॉन्ट अकाउंट्स, आपको ये भी लिखना है, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा बहुत आई वॉन्ट टू क्लोज माई डीमैट अकाउंट इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन जहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का आप यूज़ कर सकते हो, एक ही फ़ोटो में आकर के आप अपलोड करिए। अगर आपको नहीं करना तो भी ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कर लीजिए तो आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगी, अगर जल्दी ही आपका अकाउंट क्लोज करने में हेल्प करेगा अगर ये कर लेते तो, और नहीं करे तो भी चल जाएगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पर करने का, मतलब वेरीफाई ज़्यादा नहीं करेगा।
तो चलिए हम कर भी लेते हैं। यहाँ पे मैं आधार कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ, फ्रंट पेज ही मैं करूँगा, लेकिन बैक साइड दोनों आपको करना है। मैं फ्रंट करने वाला हूँ, हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो मैं दोनों बैक करके फिर प्रोसेस तो यही होगी, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ऐड स्क्रीनशॉट पर हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हो आधार कार्ड, और भी आपको पान कार्ड वगैरह ऐड करना तो यहाँ पे फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे तो पान कार्ड भी ऐड हो जाएगा, लेकिन एक ही फ़ोटो में कीजिए फ्रंट बैक दोनों। अगर ये होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है, मैंने फ्रंट साइड का ही अपलोड किया है। अगर इसमें हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो जाके आपको दोनों फ्रंट और बैक एक फ़ोटो मिला के आपको अपलोड कर देना है, और आधार कार्ड और पान कार्ड दोनों कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब हमने ऑन किया था तभी भी हमने ये दिया हुआ था। तो चलिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद सेंड पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे सेंडिंग ईमेल यहाँ पे हो जाएगा तो ये होने के बाद आपको एक थोड़ा बहुत आपको दिलासा देने के लिए यहाँ पे एक मेल मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने आपकी जो मेल हमने स्वीकार कर ली है, और जो भी रिक्वेस्ट हमने स्वीकार कर ली, और बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही कुछ है, और टिकट आईडी वगैरह यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई मांगे तो आप दे सके यहाँ पे वगैरह, आप ऊपर देख सकते हो टिकट आईडी दोनों जगह पे है, और ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे है, और यहाँ पे भी लिखा है आप देख सकते हो, तो रिगार्डिंग योर क्वेरी आवर टीम ऑलरेडी वर्किंग, वी आर गेट रिस्पॉन्स फॉर विद इन नेक्स्ट 1 या 2 वर्किंग डे। 2 दिन बताए लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे पता है, 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। तो चलिए हम मेल का वेट करते हैं, फिर मेल आता है उसके बाद क्या प्रोसेस है वो आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, फिर से आ चुके मोबाइल के स्क्रीन पे, और अब मेल मुझे मिल चुका है। हालांकि मेल तो बहुत टाइम पहले मिला, लेकिन मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पे टाइमिंग आप ऊपर देख सकते हो 6:33 अभी हो रही है, लेकिन मेल मुझे दोपहर को मिल गया था। तो पहले मैं आपको मेल दिखा देता हूँ यहाँ पे, और मेल में जाएंगे, और तो यहाँ पे मुझे 2 मेल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये वाला जो मेल है मैंने जब प्रोसेस की थी उसी टाइम आया था, और दूसरा वाला मेल जो अभी मेन जो मेरे काम है जिस मेल में वो है ये रहा सपोर्ट वाला, तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला मेल आपको आना चाहिए, और ये आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी, जो कि आप नीचे देख सकते हो, ये रही लिंक जो जहाँ से आप अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है क्लोज डीमैट अकाउंट, उसको आप क्लोज कर सकते हो। ये अलग से डायरेक्ट नहीं होगा, ये लिंक नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपकी अकाउंट की लिंक मिल जाएगी आपकी मेल में। तो मेल ऐड करके आप ये वाली प्रोसेस कर लीजिए, जो मैं आगे बताया वो प्रोसेस कर लीजिए, उसके बाद ये मेल आएगा। तो अब ये मैं जो बता रहा हूँ आपको प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन होगी वहाँ पे आप चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जिस ईमेल आपको पता होना चाहिए कौन से ईमेल पे आपका डीमैट अकाउंट था, तो वो मेल आपको यहाँ पे उसे डायरेक्ट साइनिंग कर देनी है। तो मेरा जो था वही मैं यहाँ साइनिंग कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं अभी जो ईमेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा ईमेल जो कि मैं हाइड करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा यही ईमेल है, और ऊपर देखिए ग्रो यहाँ पे लिखा है चूज ए अकाउंट, मतलब कि आपको अपने वही ईमेल सेलेक्ट कर देने। तो चलिए यहाँ पे उस पर क्लिक करते हैं, जो ईमेल है उसी ईमेल पर क्लिक करते हैं। अब ये साइन इन होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, और फिर जो आपने उस टाइम जो पासवर्ड दिया होता है लॉगिन पासवर्ड, वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना, तो वो भी हम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, जो कि डीमैट अकाउंट आप यूज़ करते थे अपनी एप्लीकेशन में, तो वही अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है, मेरा वही अकाउंट है। फिर अकाउंट में आने के बाद बैक बैक आ जाना है, और ये वाले आपको इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ओके डिलीट कर देना है, और ओके डिलीट के पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है वो बताता हूँ। देखिए ये जो प्रोसेस होगी, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट अंदर ओपन हो जाएगा, एक बार कंफर्म करने के लिए आपको अंदर भेजा जाएगा, बट आपको बैक बैक चले आना, एक बार एक दो बार बैक करना, फिर ओके डिलीट वाला ऑप्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है, और पासवर्ड भी आ चुका है, तो मैं अलाउ कर देता हूँ, ऑटोमेटिक हमारा पासवर्ड ले लेगा, और पासवर्ड मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर आ चुका है जो मेरा उस डीमैट अकाउंट में लिंक था। तो अभी सेकंड कम हो रहे, तो मैं प्रोसेस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए फिनिश विथ आधार ई साइन योर फ्री डीमैट अकाउंट इज क्लोज परमानेंटली यू एंड यू विल नॉट बी एबल बाय सेल और स्टॉक ग्रो। तो ई साइन टू फिनिश पे हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे प्रोसेस टू ई साइन पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको ई साइन अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आपको ये PDF डाउनलोड कर लेनी है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके भी ऑफलाइन भी भेज सकते हो, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, आपको ऑनलाइन तरीके बताने वाला इस वीडियो में, मतलब बता रहा हूँ तो वही हम करेंगे, क्योंकि ये ऑफलाइन के लिए होता है। तो ऑनलाइन करने के लिए आपको नीचे साइन नाउ लिखा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको वही आधार कार्ड नंबर देना है जो आपने अकाउंट बनाते वक्त वेरीफाई किया था, वही आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देना है। तो फटाफट यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं। सो मैंने वही आधार कार्ड नंबर एंटर कर दिया, बट उससे पहले यहाँ पे टिक मार्क करना ज़रूरी है, और उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP आपके आधार कार्ड में जो नंबर लिंक होगा उस पर मिलेगा, तो यहाँ पर सेंड OTP पे हम क्लिक करते हैं,
और यहाँ पे एक ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी मैं एंटर यहाँ पे जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे हमारा ई साइन हो जाएगा। तो चलिए इसको अलाउ कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, या फिर एंटर ही करना पड़ेगा क्योंकि ये अलाउ नहीं करता कॉपी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ओटीपी टाइम वेस्ट हो गया तो मेरा यहाँ पे फेल बताया, लेकिन मैं रिसेंट अभी करने वाला हूँ। फटाफट यहाँ पे ओटीपी डालना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी क्लिक करके फिर से नया ओटीपी ले लेते हैं। तो ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, वेरीफाई ओटीपी हम क्लिक करते हैं, फटाफट करना होता है इसमें, मैं फटाफट मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, और उसके बाद देखिए साइन सक्सेसफुली डू नॉट क्लोज द विंडो यू विल रीडायरेक्ट, मतलब जो रीडायरेक्ट होगा ग्रुप ऐप पे और मतलब अकाउंट पे। तो फिर से एक बार वही आपको पासवर्ड दे देना है जो आपने लॉग इन मतलब यहाँ पे एंटर टाइम दिया था, तो सिक्योरिटी पिन होता है जो, ठीक है, वो एंटर देना। मैंने यहाँ पे कर दिया है एंटर कर दिया है वो पिन जो कि जैसे किया है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा अकाउंट यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हो डीमैट डीमैट क्लोजर रिक्वेस्ट इन यू ग्रो योर ग्रोथ डीमैट अकाउंट विल बी क्लोज अप सक्सेसफुली वेरिफिकेशन और रिक्वेस्ट बाय द टीम। यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे ये अकाउंट फिलहाल बंद कर दिया जाएगा और कुछ ही टाइम के बाद ये अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो सो गाइस, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।